हे गाइस, कैसे हैं आप सब। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का मैंने सुपर कंप्यूटर देख रहे थे। मेरे लिए वो सुपर ही, आई नो दे ऑल इज गेमिंग कंप्यूटर, बट मेरे लिए सुपर ही था। तो मेरा भी सपना था कि मैं भी एक सुपर कंप्यूटर परचेज करूं। सो फाइनली बिफोर 2 एंड 3 मंथ जो सुपर कंप्यूटर मैंने उसे परचेज किया, तो आज उसका अनबॉक्सिंग है एंड आई होप सो यू गाइज विल बी लाइक दैट। वीडियो स्टार्ट करते। काफी दिन से लेके रखा हुआ था बट अभी तक टाइम नहीं मिल पा रहा था कि हाँ मैं उसको प्रॉपर अनबॉक्सिंग कर पाऊँ, बिकॉज घर में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे या कुछ इश्यूज थे, दैट्स व्हाई हम लोग उसको कर नहीं पाए थे। काफी दिन से रखा हुआ था बट आज तो हाई टाइम है, आज अनबॉक्सिंग होके ही रहेगी। दिस इज आवर सुपर कंप्यूटर एंड फुल मस्ती करने वाले हैं, इसके साथ बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो गाइज नाउ अपन लोग इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो ये कैसा है मेरा सुपर कंप्यूटर। सो फाइनली चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। फाइनली गाइज हमारा सारा सेटअप जो था वो हो चुका है और नाउ हम अपने फर्स्ट लुक की ओर बढ़ रहे हैं। सो नाउ फाइनली दिस इज द सेटअप, प्रॉपर सेटअप कर चुका हूं मैं। नाउ आप देख सकते हैं और एक ओपन शॉट भी लेंगे अपन लोग अभी कि कैसे ओपन करने पे कैसा लुक दे रहा है। और यहाँ पे कुछ कोड भी लिखे हुए हैं जो मैंने अपने लिए लिखे हैं, विच आई लाइक द मोस्ट, उसके अकॉर्डिंग है। मैं आपको सारे कोड पढ़ाने वाला भी हूँ गाइस। एंड तो पहले हम कोड को सारे देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है और आपको कौन सा लगा आप कमेंट में बताइएगा। सो जस्ट सी द कोड, दिस इज द फर्स्ट फ्रंट कोड व्हिच आई लाइक द मोस्ट, कि आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इज द गिवन अप, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर डे। अपन लोग वही कोशिश कर रहे हैं। नाउ सेकेंड वन, फाइनेंशियल फ्रीडम इज अवेलेबल फॉर दोज हु लर्न अबाउट इट एंड वर्क फॉर इट। जिन आंखों में शाम के दर्शन की आदत हो ना, वो आंखें अपने मुकद्दर पे रोया नहीं करती। बेस्ट व्यू लेने वाले हैं, सो हाउ इट विल बी लुक। फाइनली हम पहला व्यू लेने वाले हैं। सो गाइज ये पहला व्यू है, फर्स्ट टाइम दिस गोना बी ओपन। मैंने पहली बार ओपन किया और ऐसे लुक मिलने वाले हैं इसके आपको। तो आई विल बी टेल यू द ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन की। सो गाइस अगर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की बात करने वाले हैं तो ये i5 6th generation, आई नो इसे बहुत सारे अपडेट वर्जन प्रोसेस आ चुके हैं बट इज सफिशियंट बिकॉज आई हैव टू बी गो थ्रू माई बजट ऑल्सो, और सभी को सभी के बजट देखने होते हैं, मेरे को अपने देखने थे, तो मेरे लिए सफिशियंट है। और अभी मेरे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो इट्स गुड फॉर मी। जो मदरबोर्ड की बात करें तो MSI B150 का लगा हुआ है, इट्स रियली रपचिक, बहुत परफेक्टली है, स्मूथली वर्कआउट करता है। 1 TB का हार्ड डिस्क है, 240 GB का SSD कार्ड और 8 GB का रैम, जिसको आगे मैं फिर से 16 करने वाला हूँ। सून एज सून पॉसिबल मैं उसको 16 कर दूंगा ताकि मैं और चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ। अगर हम ग्राफिक कार्ड की बात करेंगे तो 1050 Ti 4GB DDR5 का ग्राफिक कार्ड लगा है, इससे मेरा सिस्टम काफी स्मूथ वर्कआउट करने वाला है। साथ साथ जो ऐप मैं रन करना चाहता हूँ लाइक Adobe Premiere CC, After Effect, इन सबको मैं स्मूथली इस पर वर्कआउट कर पाऊंगा। सो अगर गाइस कैबिनेट की बात करें, कैबिनेट भी हाँ ठीक ठाक है एज पर बजट, इट्स रियली लुकिंग ग्रेट। NTX port 240TG गेमिंग कैबिनेट है, उसके साथ साथ 250 W का कूलर मास्टर्स SMPS लगा हुआ है। जो हमारा कीबोर्ड माउस है वो भी NTX port का ही है, विच आई रियली लाइक द मोस्ट। एंड इसमें जो लाइटिंग सिस्टम दी गई है बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, आपके एज पर वर्क आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। नंबर ऑफ थिंग आई रियली वांट टू टेल यू इन माय फर्स्ट ब्लॉग है। सो गाइस ये रहा मेरा सिस्टम, काफी से सोच रहा था कि हाँ मेरे को परचेस करना है बट चीज इट्स नॉट इजी, यू हैव टू वर्क फॉर इट। एंड जब सभी सपोर्ट करते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं ट्रूली बोलूं इस पूरे सिस्टम को लेके,
सो माई सिस्टर ऑल्सो सपोर्ट मी, इवन ब्रदर ने मेरे को फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया बिकॉज मेरे को थोड़ा कॉस्ट हाई लग रहा था उस टाइम एंड ही जस्ट आई, बट उसने बोला ठीक है कोई नहीं चिल मार एज पर यू हैव जितना तेरे पास है तू कर और आई विल बी गिव यू। और पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, मैंने उन्हें बताया कि हाँ कि व्हाट आई वांट टू डू, मैं से क्या क्या सीखना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं से उन्हें भी बेटर लगा तो दे ऑल जस्ट गिव मी परमिशन। सो फाइनली उन सभी के परमिशन के बाद, वो सारी चीजें देखने के बाद, दिस इज हियर। आई नो ये मेरा पहला ब्लॉग है, मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, और सो होप सो कहीं चीजें आपको डिसमिस लगी हो या फिर सही नहीं लगी, जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दैट थिंग, होप सो फर्दर अगेन आई विल ट्राई टू बी मेक समथिंग यू विल लाइक द मोस्ट। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई ब्लॉग्स, कीप सपोर्टिंग एंड कीप मोटिवेटेड। जय श्री कृष्ण।